नमस्कार, सीनियर किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बथुए और उड़द की दाल, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं बथुए और उड़द की दाल। बथुए की दाल बनाने की सामग्री है, उड़द हमने 200 ग्राम लिया है, इसको भिगाया है 3 से 4 घंटा, और उसमें एक पड़ने वाला है बड़ा टमाटर, नमक स्वाद के लिए, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा तड़के के लिए। अब बथुआ हमने देखिए उबाल के रखा है, जो आपको दिखाया था। अब हम इस उड़द को भी उबालेंगे। इसमें आधा हाफ स्पून नमक और हाफ स्पून से भी कम हल्दी डाल के इसको उबालेंगे। तो हम जिस बर्तन से दाल, साबुत दाल हमने लिया उबालेंगे, उसी से हम 3 कटोरी पानी डालेंगे। तो चलिए हम इसको उबालते हैं। आधा स्पून नमक डालेंगे, बाद में हम नमक और डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार, हाफ स्पून से भी कम हल्दी पाउडर। अब हम इसमें 4 सीटी लगाएंगे। दाल को तैयार करने के लिए हमें सामग्री चाहिए, 1 कटोरी प्याज कटी हुई मीडियम, 1 बड़ा टमाटर, 2 से टुकड़े हमें चाहिए अदरक के, कुछ कलियां लहसुन के, और ऑयल यूज़ करेंगे। ऑयल में आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड भी यूज़ करते हैं। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। ये अदरक और लहसुन और टमाटर लिया था, इसका हम फाइन पेस्ट बनाएंगे। एक अपने स्वाद के अनुसार हम हरी मिर्च इसी में डाल देंगे, इसी में पीस देंगे। देखिए हमने लहसुन और जो अदरक और टमाटर का हमने फाइन पेस्ट बना लिया है, टमाटर का प्यूरी। अब हम इसको बाद में यूज़ करेंगे। और हमने जो बथुआ वाला था उसका भी हमने प्यूरी बना लिया है। अब हम बनाएंगे सब्जी। 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल लिया है हमने, सरसों का एक मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। अब हम तेल को गरम करेंगे अच्छे से। हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें हाफ स्पून से भी कम जीरा डालेंगे। जीरा हमारा चटक गया है, अब हम डालेंगे इसमें प्याज। प्याज को हम ब्राउन होने तक भूनेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इसको बना के खाने में, और ये हेल्थ के लिए भी बथुआ वगैरह अच्छा होता है। तो सर्दियों के मौसम में से तो ये आराम से मिल जाते हैं बथुए मार्केट में। इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, हाफ स्पून से भी कम मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला है, और हाफ स्पून से भी कम मैंने हल्दी पाउडर डाला है, और इसमें हाफ स्पून से भी आधा हमने गरम मसाला डाला है। अभी हमारा भुन गया है, अब इसमें हम ये टमाटर का जो प्यूरी बना रखा था उसको हमने डाला है। देखिए इसे अच्छे से भून लीजिए। अब हम इसको जब तक भूनेंगे, जब तक ये अपना फ्लेवर में कलर ना आ जाए और बहुत अच्छा इसका कलर आ जाए और इसमें से तेल ना छोड़ दे, तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। आप चाहे तो इसे थोड़ी देर ढक के भी पका सकते हैं। तो चलिए हम इसे ढक देते हैं। तो देखिए ये हमारा तेल छोड़ चुका है और हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। जैसे भी हमने मसाला पहले ही तेल में डाला था, भूना था, तो ये बहुत अच्छे से भून गया है। अब हमारा टमाटर की प्यूरी भी अच्छे से भून गई है। अब इसमें हम डालेंगे जो बथुआ हमने पीस के रखा था, अब वो हम इसको इसमें लगा देंगे। सच मानिए आप इस तरीके से बनाएंगे ना एक बार, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इसको बनाने में और खाने में। तो देखिए हम अच्छे से इसको भूनेंगे। इसको भी हम उतना ही भूनेंगे जितना इसमें से। आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा बटर भी डाल सकते हैं, क्योंकि बटर डाल के तो दाल और भी टेस्टी लगती है। चलिए देखते हैं, हमारा 5 मिनट हो गया ही, ये अच्छे से भून गया है हमारा ये बथुआ भी। अब हमने दाल में हाफ स्पून नमक डाला था, इसमें भी हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे मीडियम, 1 चम्मच। इसके बाद आपको नमक कम लगे तो डाल सकते हैं, और जो पानी है और नमक डालने के बाद छोड़ देगा, और ये बिल्कुल फाइन सा प्यूरी बन जाएगी हमारी। अब हम इसको ढकेंगे नहीं, खुला ही पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे रखा है हमने, अब हम अपना दाल देख लेते हैं कैसा उबला है। देखिए दाल हमारा बिल्कुल परफेक्ट उबल गया है, जैसा हमें चाहिए
और पानी गैस आपको लगेगा ज़्यादा है, पर ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये जब ग्रेवी में जाएगा तो ये जब कर लेगा, इसलिए हमारे लिए इतना पानी बहुत है। बिल्कुल 4 सीटी पे मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छी दाल उबली है हमारी। तो चलिए अब हम इसको हम भूनते हुए ही, क्योंकि उड़द है तो इसमें हींग डालना बनता है, तो इसमें हम ढेर सारा डाल देंगे हींग। अब हम हींग इसी फ्लेम पर इसको भूनेंगे। जब हम इसके साथ में डाल के भूनेंगे ना तो बहुत अच्छा से मिक्स हो जाएगा और भून भी जाएगा। भून के तैयार हो गया है ग्रेवी। अब हम इसमें दाल को डाल देंगे। अब हमने दाल इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको गाढ़ा होने तक इसका वेट करेंगे, और आप चाहे तो इतने पे भी उतार सकते हैं एक खद्दा आने के बाद, पर हम थोड़ा सा गाढ़ा ही बनाएंगे जिससे हम रोटी और चावल दोनों को साथ खाने में अच्छा लगे। तो हम थोड़ी देर इसको ढक देते हैं ताकि इसमें भी मसाला और दाल का जो फ्लेवर होता है दाल में आ जाए, मसाले का फ्लेवर। चलिए हम इसको ढक दे, चलिए देखते हैं हमारी दाल कैसा बना है। तो देखिए हमारा दाल पक के तैयार हो गया है और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर भी हो गया है, और देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो गया है खाने लायक बिल्कुल। अब इसे चाहे दाल और रोटी या चावल के साथ खाइए, आप चाहें तो इसमें दोबारा तड़का लगा सकते हैं ऊपर से, और भी टेस्टी लगेगा फिर ये दाल। तो चलिए हम इसको सर्व करते हैं। दाल बन के तैयार हो गया है, अब इसे खाइए एंजॉय कीजिए। बथुए उड़द की दाल बनके कंप्लीट हो गया है, और देखिए देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, खाने में भी बहुत टेस्टी है। अगर आपको पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।